क्लास टू सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर फाइव यूनिट थ्री एनिमल्स बच्चों ओपन योर पेज नंबर थर्टीन ऑफ योर साइंस बुक आप साइंस बुक का पेज नंबर थर्टीन ओपन कर लें इससे पहले पेज नंबर ट्वेल्व में हमने काइंड्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देर ईटिंग हैबिट्स पढ़ी थी हरबीवोर्स कार्नीवोर्स ऑमनीवोर्स हमने हर भी वोर्स कार्नीवर्स ऑमनीवोर्स के बारे में पढ़ा था वी हैव सीन द पिक्चर्स ऑफ इट वी हैव रेड द एंड वी हैव लर्न ऑल द मीनिंग्स एंड कॉन्सेप्ट ना वी आर मूविंग ऑन पेज नंबर थर्टीन आज हम पेज नंबर थर्टीन के हाफ पेज की रीडिंग करेंगे एंड इसके सपोर्टिव मटीरियल देखेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द रीडिंग कम्प्लीटली सो लेट्स स्टार्ट व टू रीड आफ्टर मी आपने मेरे पीछे पीछे पढ़ना है जब मैं सेंटेंस पढ़कर रुक जाऊंगी तो यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी स्पेशल बॉडी पार्ट्स इन एनिमल्स स्पेशल बॉडी पार्ट्स इन एनिमल्स जानवरों में खास जिसम के हिस्से जानवरों में ख़ास जिसम के हिस्से एनीमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एनीमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जानवरों के पास मुख्तलिफ़ जिसम के हिस्से होते हैं या जानवरों के मुख्तलिफ जिसम के हिस्से होते हैं एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हेल्प them लिव टू हेल्प them लिव find फूड एंड मूव टू हेल्प them लिव find फूड एंड मूव जो उनको रहने में खाना तलाश करने में और हरकत करने में मदद देते हैं Now we read the full sentence. Animal have different body parts to help them live, find food and move. जानवरों के मुख्तलिफ है के हिस्से होते हैं जो उन्हें जिंदा रहने में खाना ढूंढने में और हरकत करने में मदद देते हैं बर्ड्स me. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई पौधों को सॉरी परिंदों को परिंदों के पास उड़ने के लिए पर होते हैं परिंदों के पास उड़ने के लिए पर होते हैं दे हैव बीक्स दे हैव बीक्स उनके पास चोंचे होती हैं उनके पास चोंचे होती हैं टू कैच वर्म्स टू कैच वर्म्स कीड़े मकौड़ों को पकड़ने के लिए एंड ईट ग्रेन्स एंड सीड्स और दाने और बीज खाने के लिए एंड ईट ग्रेन एंड सीड्स दाने और बीज खाने के लिए बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई परिंदों के पर होते हैं ताकि वो उड़ सकें दे हैवीक्स टू कैच वर्म्स एंड ईट ग्रेन एंड सीड्स और उनके पास चोचें होती हैं वर्म्स को दानों को और बीज को खाने के लिए Ducks and frogs have webbed फ्रॉग्स ducks, ducks हैथों और बथों और मेढकों के झिल्लीदार पाव होते हैं बथखों और मेढकों के झिल्लीदार पाऊ होते हैं टू हेल्प देम स्विम जो उनको तैरने में मदद देते हैं I'm reading it again. Ducks and frogs have webbed feet to help them swim. बतखों और मेंढकों के झिल्लीदार पांव होते हैं, जो उनको तैरने में मदद देते हैं. This is the reading, but let's see how it works. See, Allah Taala has given the wings to the birds, ताके वो इनको flap करके हवा में उड़ सके परिंदे हवा में अपने परों को हिलाकर उड़ते हैं सी दिस इज द मूवमेंट ये अपने पर सुकेड़ते हैं दिस स्क्वीज़ देयर फेदर और ये पर फैलाते हैं दे स्प्रेड देयर फेदर टू फ्लाई इन द एयर नाउ अल्लाह ताला हैज़ गिवन द बीक्स to the birds why they have given beaks to the birds to pick the grains seeds fish meat and all that see why Allah Taala has given them beak the beak is very pointy thing अगर मोटा सा मुँह होगा तो आप दाना दुनका नहीं चुक सकेंगे worms को pick नहीं कर सकेंगे तो Allah Taala ने इनको pointy टी दी है ताकि ये आराम से कर सके सो अल्लाह ताला हैज गिवन द बर्ड्स द पॉइंटी बीक टू पिक द वर्म्स द सी एंड फीट झिल्लीदार पाओं आपने देखा इसके है इसके पाओं में झिल्ली है अल्लाह ताला हैज गिवन ये सब चीजें अल्लाह ताला ने इनको दी हैं अल्लाह ताला हैज गिवन द फीट टू द डक्स सी दीज आर द दैब्ड फीट झिल्लीदार ये जो पाओ में इसके जगह है ये झिल्लीदार बनी हुई है इस तरह लुक एट द फ्रॉग फ्रॉग हैज ऑल्सो वेब्ड फीट एंड दे हैव फीट फीट हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर ये वेब्ड फीट इनको वॉटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं सो so, बर्ड्स के पास क्या है विंग्स एंड बीक और बाकी कुछ जानवरों को अल्लाह ताला ने क्या दी है वेब्ड फीट टू स्विम